उन्होंने बताओ कि आप कैसे हो, और ये कि सबसे पहले तो कुछ लोगों ने आपके बारे में जो ये बात फैलाई, जैसे जहीर के बारे में कि वो माली है, और ये कि वो गैंग का सरगना है, तो आपके बारे में लोग ये बात कर रहे थे कि आप क्योंकि बहुत सीरियस रहती हो, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर था, आपको नशा दिया जा रहा था, आपको कोई इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे। तो अभी कैमरा आपके सामने है और यहाँ पर कमरे में सिर्फ मैं, आप और जहीर भाई हैं, तो आप सब ऑडियंस आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगी? पहली बात तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं जो कहती थी वो अपनी मर्ज़ी से कहती थी। कोई नशा वगैरह नहीं दिया जा रहा था, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा था, मैं सब अपनी मर्ज़ी से कहती थी। हाँ, और अब मुझे ये बताओ कि पबजी के थ्रू तो हमें पता चल गया कि आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को कब देखा था? मैं जब गई हूँ लाहौर तो फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ इनसे। तो आपने सोचा नहीं था कि अगर जहीर आगे से पता नहीं किस तरह का निकल आया तो? लेकिन ये मोहब्बत थी, मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। वो तो हमें इसलिए नज़र आती है कि एक ऐसी लड़की जो सिंध हाई कोर्ट से लेकर लाहौर। अच्छा हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप जो आंसर दें, मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि आप दुपट्टा उतार के दें, उसकी वजह यह है कि लोगों ने एक ये इल्ज़ाम लगाया कि जो सिंध हाई कोर्ट में आपने कपड़ा लपेटा हुआ था एक ब्लैक कलर का, तो लोग कह रहे थे कि आपके कानों के अंदर जो है वो कोई हैंड फ्री लगी हुई है या ब्लूटूथ लगी हुई है जिसके ज़रिए से आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप दुपट्टा लोगों के सामने ही उतार दो, खुदा ना खास्ता बाद में कहीं ये इल्ज़ाम ना लगा दें कि आपको शायद कोई कानों में कोई चीज़ लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगी ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, जो लोग आपके बारे में ये कह रहे थे कि आपके कानों में कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब अपनी मर्जी से कहा था, और मेरे कान में कुछ भी, कोई एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है, अब मुझे करना पसंद है, तो मैंने अपनी मर्जी से दुपट्टा निकाब वगैरह किया हुआ था। अच्छा दुआ, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसे लेकर सब यूट्यूबर्स चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आखिर में पूछा गया आपसे कि आप अपने पेरेंट्स को मिलना चाहती हैं, आपने जज साहब से कहा मैं नहीं मिलना चाहती, लेकिन जज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मिल लो, 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिला, और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने बाहर आकर लोगों से ये कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें पता था, मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब आपके सामने लोग हैं, आप बताओ कि क्या वाकई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद जज को जाकर झूठ बोला कि वो ये बोल रही है, लेकिन मैंने तो उनसे ऐसे कोई भी तो असल में बात क्या हुई थी जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है, तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना, तो उन्होंने फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना, तो फिर मैंने इनकार कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला खुद ही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कर दूँ, सब लोग सुन रहे हैं कि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। मेरा पहले दिन से कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम खुदा ना खास्ता जहीर के वालदैन को बुरा कहना चाह रहे हैं या दुआ के, वो भी पेरेंट्स हैं और वो भी पेरेंट्स हैं। जाहिर बात है अगर उनकी बेटी आ गई है वो कंसर्न होंगे, उनको भी इस बात की फिक्र होगी कि हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में है। मेरा पहले दिन से जो एक तजाद था, पहले दिन से जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं कहती थी कि वो जो गैंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं, और खास तौर पे जो कुछ यूट्यूबर्स ये बात कर रहे थे कि आपको नशा देके या आपको हबसे बेजामे रख के या आपको ब्लैकमेल करके इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहती हो? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो कोई मुझे नशा नहीं दे रहा था, और ना कोई इंजेक्शन लगा रहा था, ना ही कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और दुआ, आपकी एज के हवाले से बहुत एक प्रॉब्लम उठा हुआ है क्योंकि आपका वेट बहुत कम है, अभी मैं आपको देख रही हूँ, और मैं इस बात को समझती हूँ बीइंग मीडिया पर्सन के जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन कैमरे पे मैं 10 kg ज़्यादा आऊँगी, तो इसी तरह से आप जो हैं वो ज़्यादा आने के बजाय ना और थिन दिखाई देती हैं। तो वैसे भी मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 2 माह में आप लोग जिस क्राइसिस से गुजरे हो आपका वेट काफ़ी कम हो गया, बल्कि आपकी मदर का भी वेट मैं देखती हूँ पुराने वीडियोस में और न्यू वीडियोस में टेंशन की वजह से काफ़ी कम होता है, लेकिन लोग ये मानने को हरगिज़ तैयार नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 14 साल की बनती हैं, जबकि आपकी असल एज जो है वो आपके मेडिकल टेस्ट में आ गई है। ये क्या मतलब, वजह क्या है? वो कहते हैं कि पासपोर्ट्स में, आईडी कार्ड्स में, हर चीज़ में आप 14 साल की हैं, तो अब लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगी? पहले तो ये कि उन्होंने जो मेरी एज पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह में उन्होंने लिखवाई हुई है वो एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा, मेरी रियल एज 17 है
और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की के शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हमारी शादी 2005 के एंड पे हुई है और ये 2008 में पैदा हुई है, जबकि आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुई थी। जी, यानी ये बात समझ में आती है कि 2005 में अगर शादी हुई है तो 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज़ आई है। जी बिल्कुल ठीक है। जी तो दुआ, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? कैमरा आपके सामने, आप कहिए उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुजरे हैं, मैं भी गुजर रही हूँ, बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मुझे एक्सेप्ट किया है। और ज़हीर की वालदा जो हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। अभी हम लोग जब आए तो उनका जो रवैया था दुआ के साथ वो इस तरह से था कि जब हम लोग इनके घर में एंटर हुए तो पता ये चला कि उन्होंने दुआ से पूछा कि आपको क्या खाना है, और दुआ ने कहा कि मुझे पिज्ज़ा ऑर्डर करना है। तो मैंने कहा कि आपने इसको रोटी खाने की आदत नहीं डाली, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से ये आई हुई है ये सिर्फ पिज्ज़ा खाती है या नूडल्स खाती है, ये क्या चीज़ है, मतलब रोटी खाने की आदत नहीं है आपको, आंटी आपको पिज्ज़ास वगैरह मंगवा के दे रही हैं। जो मैं मांगते हैं वो मुझे फौरन ला कर देती हैं, बस मुझे इन चीज़ों की आदत है तो मैं वही खाती हूँ। और मुझे एक और बात पता चली दुआ के बारे में कि ये पराठा अव्वल तो खाती नहीं है और अगर खाए तो नमक के साथ खाती है, ये क्या सीन है? मुझे शुरू से आदत है इसके साथ खाने की। तो इसी वजह से दुआ का वेट जो है ना आई थिंक 35 kg है, और उसकी वजह से इतना अंडर वेट होने की वजह से लोग समझते हैं कि दुआ की एज कम है, लेकिन अब आप हमारी भाभी बन गई हो तो अब आपको पराठे भी खाने पड़ेंगे, ब्रेड्स भी खानी पड़ेंगी और पंजाब के देसी आटे की रोटियां भी खानी पड़ेंगी, है ना? जी। अच्छा दुआ, एक बात जो लोग पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कॉमेंट सेक्शन में, वो ये है कि आपने जब वहाँ से यहाँ आने का फैसला किया, जो आपके जेठ हैं उन्होंने हमें बताया कि आपने पहले अपने घर से रिक्शा लिया, फिर आप एयरपोर्ट गई, वहाँ से आपने एक टैक्सी करवाई, लोग इस बात को किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक इतनी छोटी सी छटांग भर लड़की कैसे ये हो सकता है कि बजाय कि ज़हीर का कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ शामिल ना हो या आपको कोई लेने ना गया हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम मान ही नहीं सकते कि आप अकेले वहाँ से आई हो। तो आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर जो कहना चाहती हो, कैमरा आपके सामने, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं खुद ही आई हूँ अकेली, मैंने खुद टैक्सी करवाई रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ, उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, तो फिर मैंने वहाँ से खुद टैक्सी करवा के खुद लाहौर में अपनी मर्जी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के कंसर्न्स हैं, वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी लड़की अगर अकेली टैक्सी में आकर बैठ जाए तो टैक्सी वाला कैसे खुदा ना खास्ता उसको वहाँ इतने घंटों का सफ़र है, 12, 13, 14 या 24 घंटे का, तो इतनी दूर से वो कैसे सेफली उसको ले आया, खुदा ना खास्ता क्यों उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, जैसे आजकल हमारे आप सुनती हैं कि किस तरह की स्टोरीज़ हैं। जब आप बोल तो आप सच रही हो, लेकिन जब आप ये बात करती हो तो लोग नहीं यकीन करते कि आप अकेली कैसे टैक्सी में आ गई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उनकी पहले दिन से लेके आखिर तक मेरे जो है ख़ास करम था मेरे साथ, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो अल्लाह की मदद थी, क्योंकि मैं जो ना इस्लाम के तब एक इस्लामी काम करने जा रही थी, शुरू दिन से मैंने माइंड बना लिया था कि मैं शादी करूँगी और इसमें शादी में बरकत है, तो अल्लाह ने मेरी मदद की, तो अल्लाह की वजह से सारा हो गया। अच्छा दुआ, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि देखो बच्चों को ये बात, देखें नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ, मैंने पहले दिन से कभी ये नहीं कहा कि दुआ और ज़हीर ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, और मैंने कभी इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं किया कि दूसरे बच्चे या दूसरी लड़कियाँ भी ये काम करें, लेकिन मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
जब बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं कि हमने यहाँ शादी करनी है, पेरेंट्स को भी उनकी सोच का, उनकी विश का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब हम 2022 में बैठे हुए हैं, पुराना दौर नहीं है जहाँ पे तस्वीर दिखा के शादी कर दी जाती थी। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इस हद तक मजबूर हुई कि आपको लगा कि अब बस घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट्स को मना भी तो सकती थी ना, लेकिन ऐसा क्या लम्हा आया कि आप इतनी मजबूर हो गई कि आपने घर छोड़ दिया? असल में ना उन्होंने मेरा, मैंने जब इनकी बात की ना कि मुझे ऐसे ये पसंद है और ये रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो मेरे ये जो मामा है ना, उन्होंने मुझे मारा और मेरा जो टैप था ना जिस पर मैं इससे बात करती थी वो उन्होंने बंद कर दिया, और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मजबूर करती थी, मारती भी थी छोटी छोटी बात पर, और फिर मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर सख्ती भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, उनका भला भी सोचते हैं। ठीक है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि उन्हें नहीं पता होगा ज़हीर फैमिली का, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, यकीनन उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन आपने, मतलब आपको लगता था कि इतना ज़्यादा मुझे मार पड़ रही है, इतना कुछ मुझ पर दबाव है कि उसके बाद आपको लगा कि वो मेरी शादी नहीं करवाएंगे ज़हीर से? क्योंकि आपसे हमें पता चला था कि ज़ैनुल आबिदीन के साथ, वो आपके कज़न के साथ शादी करना चाहते थे। तो अब देखिए नाज़रीन, आप लोग भी सामने हैं, ज़हीर भी सामने है, दुआ भी, कि एक तरफ तो उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र ही बहुत कम है, वो 14 साल की है, जबकि दूसरी तरफ वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि अपने कज़न के साथ शादी करो। और उसी वजह से जो दुआ है वो इस बात के लिए जब समझ गई कि मेरे पेरेंट्स किसी भी सूरत जो है वो मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगे, तो फिर आपने घर से कदम उठाया, ऐसा ही है। अच्छा दुआ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो कज़न है ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी वजह से आपके ऊपर दबाव था कि आप उनसे शादी करो, क्यों इतना दबाव था कि उसी से शादी करनी है? क्योंकि मेरे ताया के पास एक प्लॉट था DHA में, तो वो उनका मेरे बाबा के साथ कोई मसला चल रहा था, जिस वजह से वो चाहते थे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए और वो प्लॉट उनके नाम आ जाए। तो जब आपने अपने वालिद से कहा कि मैं किसी भी सूरत उससे शादी नहीं करूंगी और ज़हीर से करूंगी, तो फिर आपको मार पड़ी? जी मार भी पड़ी, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी। क्या? कि मैं तुम्हें मार दूंगा अपने हाथों से, ऐसी बात है ना करना। अच्छा, और आपके मामू के बारे में भी मैंने सुना है, हालांकि मेरी उनसे बात हुई थी पहले दिन ही जब आप वहाँ से यहाँ आई थी, तो मैंने आपके वालिद को सबसे पहले रابطہ किया था, और आपके मामू ने मुझे खुद कहा कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और इन्होंने अपनी मर्जी से शादी किया, लेकिन ऑन स्क्रीन वो ये बात नहीं करते थे, ऑफ स्क्रीन वो ये बात करते थे। तो आपके मामू ने भी कोई धमकी वगैरह दी थी? जी मेरे मामू ने भी धमकी दी थी कि जो है ना, हम इसकी शादी अपनी मर्जी से करेंगे और जहाँ ये चाह रही है वहाँ हम नहीं करेंगे, तो ज़बरदस्ती फिर मेरे बाबा भी ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। ठीक है। अच्छा दुआ, ज़रा एक दफ़ा फिर लोगों को बता दो कि वो जो आप इतने कपड़े लपेट के रखती थी और जो इतनी पुलिस आपके इर्द गिर्द होती थी, तो लोग इतराज़ उठाते थे कि निमरा काजमी के केस में ये नहीं है, आपके केस में, और आपको घसीटा जा रहा है, और वो समझते थे कि आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, तो लोग आपको सुन रहे हैं, वो क्यों इतना कपड़ा आप लपेट रही थी और क्या हो रहा था? वो कपड़ा जो मैं लपेट रही थी वो मैं अपनी मर्ज़ी से लपेट रही थी, क्योंकि मुझे पसंद है हिजाब वगैरह करना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि काफ़ी लोग होते थे तो मुझे नहीं पसंद कि मैं बिना दुपट्टे के इस तरह जाऊं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से वो करती थी, और वो घसीटना वगैरह वो सारा मेरी प्रोटेक्शन के लिए कर रही थी पुलिस। अच्छा दुआ, आपके बारे में आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और आप उसके बगैर देख नहीं सकती हैं, तो क्या ऐसा है कि आप उसके बगैर देख नहीं सकती, और वो कह रही थी कि आप ग्लासेस लिए बगैर ही वहाँ से आ गई हैं? ऐसा भी नहीं है कि मेरी आई साइट बिल्कुल ही वीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, मुझे नज़र आता है और मैं देख सकती हूँ, बस मैं ग्लासेस कभी कभी लगाती हूँ जब मुझे TV वगैरह देखना आता है। ये मेरे पास, ये देखिए मेरी ग्लासेस, ये नहीं मेरी ग्लासेस। अच्छा।